गुड मॉर्निंग क्लास वन. आज हम लोग क्लास वन का चैप्टर 12 पढ़ेंगे. इस चैप्टर का नाम है चंपास फ्रूट बास्केट. ठीक है, एक चंपा नाम की लड़की रहती है, उसके फ्रूट बास्केट के बारे में इसमें बताया गया. ये हम लोग का चैप्टर 12 है, चंपास फ्रूट बास्केट. ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं. पहला लाइन में दिया हुआ है, देयर वॉज अ बिग गार्डन इन चंपास हाउस, देयर वेयर मैनी फ्रूट ट्रीज इन हर गार्डन. इसमें बोला गया है कि एक चंपा का गार्डन रहता है. ठीक है, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ रहते हैं और वहां पे बहुत सारे फ्रूट के पेड़ रहते हैं. चंपा का जो गार्डन रहता है उसमें बहुत सारे फ्रूट के पेड़ रहते हैं. आई एम गोइंग टू पॉनीज हाउस, चंपा सेड टू हर मदर. चंपा जो है वो अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी मैं जो है पॉनी के घर जा रही हूँ. पॉनी जो है वो उसकी फ्रेंड रहती है. आई एम टेकिंग सम फ्रूट्स फॉर हर, सी लाइक्स टू ईट फ्रूट्स. और वो जो चंपा है वो बोलती है मैं पॉनी के घर जाने से पहले मैं कुछ फल तोड़ लूंगी उसके लिए, क्योंकि पॉनी जो है उसको फल बहुत पसंद है. ऑल राइट सेड हर मदर, कम होम सून. उसकी मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है, और वो उसकी मम्मी बोलती है उसकी कि ठीक है जल्दी आ जाना. चंपा पुट थ्री बनानास एंड टू गुआवास इन ए बास्केट. उसके बाद चंपा जो है वो तीन बनाना लेती है अपने बास्केट में और दो गुआवा लेती है. ठीक है, देन सी सेड बाय मदर एंड बिगिन टू वॉक टूवर्ड्स पॉनीज हाउस. उसके बाद वो बोलती है अपनी मम्मी को बाय बोलती है और वो कहाँ चली जाती है, पॉनी के घर के तरफ चली जाती है. ऑन द वे देयर वॉज ए स्मॉल ट्री, ए मंकी सेट ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री. आई इट सॉ द बास्केट एंड सेट आई लाइक बनाना. उसके बाद वो चली जाती है अपने फ्रेंड के घर, पॉनी के घर, और रास्ते में उसको क्या मिलता है, एक छोटा सा ट्री मिलता है. ठीक है, जहाँ पे एक मंकी बैठा हुआ रहता है उसके ब्रांच पे, ट्री के ब्रांच पे एक मंकी बैठा हुआ रहता है. और वो इट सॉ द बास्केट एंड सेड आई लाइक बनानास. और वो मंकी जो है वो चंपा का बास्केट जो है जिसमें फ्रूट रखे हुए थे, क्या क्या फ्रूट रखे हुए थे उसमें, थ्री बनानास थे और दो गुआवा था. ठीक है, तो वो मंकी जो है वो पेड़ पे बैठा हुआ था, वो पेड़ के ब्रांच से टहनी पे बैठ के देखा कि चंपा जो है वो बास्केट पे फ्रूट लेके जा रही है. तो वो देख के बोला कि मुझे तो बनाना बहुत पसंद है. इट बेंट डाउन फ्रॉम द ट्री एंड टूक द बनाना. चंपा डिड नॉट सी द मंकी. और उसने क्या किया, उस मंकी ने वो टहनी से थोड़ा झुका और चंपा का जो बास्केट है उसमें से क्या ले लिया, उसमें से बनाना ले लिया. और चंपा ने उसे देखा भी नहीं, चंपा अपने चलती जा रही थी. देयर वेयर टू पैरोट्स नियर बाय, दे लुक एट द बास्केट. गुआभा सेड द पैरोट, वी लाइक गुआभा. उसके बाद रास्ते में कौन मिला, वो मंकी ने बनाना ले लिया. उसके बाद चंपा आगे बढ़ गई. ठीक है, तो चंपा जैसे ही आगे बढ़ गई उसके बाद रास्ते में उसको दो पैरोट मिले. वो पैरोट ने कहा, क्या कहा, हमें तो गुआभा बहुत पसंद है. और दो गुआभा जो था उस पैरोट ने दोनों गुआभा ले लिए. और इस बार भी क्या हुआ, चंपा ने उन्हें नहीं देखा. दे फ्लू डाउन एंड टुक द गुआभा. चंपा डिड नॉट सी द पैरोट. उन्होंने उड़ते उड़ते क्या किया, वो बनाना ले लिया और वो गुआभा ले लिया और चले गए. और इस बार भी चंपा ने उनको नहीं देखा. एक काउ लुक्ड एट चंपा, इट सॉ द बिग बास्केट इन चंपाज हैंड. द काउ वॉज फ्राइटेड, मोर सेड द काउ, इट जंप्स एंड बम्प इनटू एन ऑरेंज ट्री. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक काउ मिला रास्ते में, एक काउ मिला. उसने चंपा को देखा कि उसके हाथ में एक बड़ा सा बास्केट है और काउ जो है वो बहुत ज्यादा डर गया और वो मोर की आवाज करने लगा. और उसने जैसे ही जंप किया, उस काउ ने जंप किया, तो वो जो है उस ऑरेंज के ट्री से टकरा गया. और जैसे ही ऑरेंज के ट्री से टकराया, उस पेड़ में से कुछ ऑरेंज गिर गए चंपा के बास्केट पे. सम ऑरेंज फेल इनटू चंपास बास्केट, चंपा डिड नॉट सी द ऑरेंजेस. उसके बाद क्या हुआ, उस पेड़ से जैसे ही वो जो काउ था उस पेड़ से टकराया, वो पेड़ से कुछ ऑरेंज गिर गया, चंपा के बास्केट में गिर गया. चंपा ने इस बार भी कुछ नहीं देखा. सून चंपा रीच पॉनीज हाउस. थोड़ी देर के बाद चंपा जो है वो पॉनी के घर पहुंच गई. हेलो पॉनी, सी सेड हियर इज सम फ्रूट फॉर यू. उसके बाद पॉनी ने क्या कहा, उसने जाके पॉनी को हेलो कहा और बोला मैंने तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट लाई है, मैं जो हूँ तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट लाई है. थैंक यू सेड पॉनी, आई लाइक ऑरेंजेस. उसके बाद पॉनी ने थैंक यू कहा किसको, चंपा को थैंक यू कहा और कहा कि मुझे ऑरेंज बहुत पसंद है. ऑरेंजेस सेड चंपा. उसके बाद चंपा ने जैसे ही सुना कि ऑरेंज, वो तो शॉक्ड हो गई क्योंकि उसके जो बास्केट था उसमें क्या क्या थे, थ्री बनाना थे और दो गुआवा थे, उसमें ऑरेंज था ही नहीं. वेयर डिड द बनाना एंड द गुआवा गो. उसके बाद क्या हुआ, चंपा सोचने लगी कि वो जो बनाना था और वो जो गुआवा था वो गया कहाँ, क्योंकि जब ये वो जो मंकी था उसने गुआवा लिया, मंकी जो था उसने बनाना लिया और पैरोट ने जब गुआवा लिया, ये जो चंपा है इसने देखा ही नहीं, इसलिए इसको कुछ
पता ही नहीं चला, ठीक है। तो ये था आप लोगों का चैप्टर चंपास फ्रूट बास्केट, ठीक है। इसमें आप लोगों का एक न्यू वर्ड दिया गया रीच्ड, रीच्ड का मीनिंग होता है पहुंचना, ठीक है। तो ये था आप लोगों का चैप्टर 12, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।